महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक महिला को पड़ोसी द्वारा रंजिशन चाकू गोदे जाने का मामला सामने आया है। घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर हमला करने के आरोप में 58 वर्षीय शख्स को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। रोहिणी सेक्टर 11 में एक 28 साल की महिला पर उसके पड़ोसी ने ही चाकू से हमला कर दिया। पड़ोसी ने महिला पर चाकू से कई वार किए जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहबाद डेरी थाने की पुलिस को गुरुवार की रात 8:30 पर सूचना मिली थी कि एक महिला को एक शख्स ने चाकू मार दिया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए तत्काल सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी का नाम नरेश उर्फ राजू है। वो महिला का पड़ोसी है। महिला को उसने फोन करके घर के बाहर बुलाया और उसके बाद हमला कर दिया। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले आरोपी के खिलाफ शिकायत दी गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही इस संबंध में जानकारी देने की बात कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।